लोक सभा उपचुनाव लैके चोण अखाड़ा पूरी तरह गर्म हो चुका है। वख-वख पार्टियां वालों अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चोण प्रचार किया जा रहा है। पार्टी के वड्डे वड्डे नेता संगरूर पहुँच के अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मंग रहे हैं। संगरूर में भाजपा उम्मीदवार केवल सिंह ढिल्लों के पक्ष में दिड़वा में चोण प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री दुष्यंत गौतम पुजे। उनका कहना है कि लोगों में भाजपा के लिए काफ़ी उत्साह है, बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी उम्मीद है कि संगरूर के लोग भाजपा के पक्ष में वोट देंगे। देखिएगा, बाई इलेक्शन के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय ढिल्लों जी ने आपका बीच में आकर अपना समर्थन जनता से मांगा है, आज नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है कि जो 3 महीने के अंदर वर्तमान की यह सरकार है, उस सरकार ने जिस प्रकार से फिरौती का काम चालू कर दिया है, जिस प्रकार से युवाओं को कत्लेआम चले आ रहा है, सरेआम आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, और जो उन्होंने कहा था कि 1000 रुपये माँ बहनों के अकाउंट में डालेंगे, बिजली देंगे, सारे हवा हवाई हो गया है। आज पंजाब की जनता मोदी जी की तरफ देख रही है, तो हमारे यहाँ पर लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, जिस प्रकार से भीड़ झुक के आ रही है, खासकर गांव देहात के लोगों का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, मैं 3 दिन से यहां पर हूं, लगातार गांव के अंदर जो उत्साह दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारा उम्मीदवार भारी भरकम वोटों से जीतेगा। कांग्रेस के कारकुन आज ईडी के ऑफिसों के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को परेशान कर रही है। देखिएगा, इस कांग्रेस को एक अभिमान है कि ये रजवाड़े हैं, राजा महाराजा पैदा की तरह पैदा हुए, इनको नहीं मालूम ईडी के अंदर नरसिंह राव जी भी पेश हुए थे, ईडी के अंदर मोदी जी भी पेश हुए थे, लेकिन इनको अहंकार मार रहा है। 5000 करोड़ की जमानत पे छूटे हुए लोग हैं, कोर्ट से छूटे हुए लोग हैं, जब कोर्ट में जमानत के लिए गए तो मालूम पक्का है कि इन पे ये भ्रष्टाचार का आरोप सत्य है, तो इसलिए ये अपने संवैधानिक संस्थाओं पर प्रेशर बनाने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन सरकारें कभी इस कामों से झुकती नहीं हैं। आप लोगों में जा रहे हो, मुद्दा क्या लेके जा रही है बीजेपी? मुद्दा हम यही लेके जा रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पंजाब के लिए एक सपना देखा है, एक विकसित पंजाब देखा है, नशा से मुक्त पंजाब हम देंगे, हम युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, और बड़े दुर्भाग्य की बात है 5 नदियों वाला पंजाब जीवन, उसका जल स्तर जिस प्रकार से गिरता जा रहा है, किसानों को किसानी करने में परेशानी हो रही है, जो पंजाब का पुराना वैभव है उस वैभव को लौटाने का काम करेंगे, इसके अंदर जनता विश्वास भी कर रही है और हमारे साथ समर्थन भी दे रही है। पंजाब की लाइन ऑर्डर की स्थिति को कैसे देखते हो? पंजाब की लाइन ऑर्डर की स्थिति 0 हो गई है, और हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब पुलिस के लिए पुलिस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना बदला लेने की भावना के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपना हेड ऑफिस नहीं बचा पाए, वहाँ पर हथियारों से आक्रमण हुआ, यहाँ पर सरेआम लोग बंदूकों और गोलियों से लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। इस सरकार ने जैसे समर्थन लेकर असामाजिक तत्वों का समर्थन लिया था, आज उनका दबाव इन पर बना हुआ है, ये पंजाब को नहीं चला पा रहे। ऐसा कि पंजाब के अंदर 2.5 महीनों की लोगों की बांह हो गई है, आम आदमी पार्टी ने जिहड़ियां गरंटियां दित्तियां सी उन्हां चों कोई गरंटी नहीं पूरी की, उल्टा पंजाब के अंदर कानून का राज नहीं है, आज पंजाब के अंदर कोई भी आदमी जिहड़ा अपने आप को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कतल नहीं हो रहा। हुणे ही ताज़ा अमृतसर के अंदर MC के बेटे द्वारा शरेआम पुलिस की मौजूदगी के अंदर गोली चला के हत्या कर दी जाती है, और मान सरकार जिहड़ी है वह कुंभकर्णी नींद सुती रहती है, और व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, दुकानदार सुरक्षित नहीं है, आम जनमानस सुरक्षित नहीं है। इनू ही लैके आज BJP ने पूरे पंजाब भर के अंदर मान सरकार का पुतला जलाण का कार्यक्रम बनाया, ताकि ये सरकार जागे और आम जनमानस नू हर पंजाबी नू सुरक्षा देना इस सरकार की जिम्मेवारी है, अपनी उस जिम्मेवारी का निर्वाह करे जित तक चोणां का सवाल है, क्योंकि जिमनी चोन है और ये चोन जिहड़ी है BJP तो ज़्यादा संगरूर वासियों लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र के अंदर मोदी साहब की सरकार है,
अगर बीजेपी के कैंडिडेट तो लोग जताते ने इस इलाके की बेहतरी और विकास को गति मिलेगी और मान सरकार के उत्ते अंकुश लगेगा। इन्हों अकल आएगी कि ढाई महीनों च असी साड़ी कारगुजारी तो लोग खुश नहीं है, इस करके इन्हों के खिलाफ लोग वोटा पाएंगे, ऐसा मैं लगता है। सिद्धू मूसेवाले के घटनाक्रम को लेकर जो है आम आदमी पार्टी के पल्ले हज तक कुछ नहीं पाया है, हाथ खाली ने, दोषी नहीं गिरफ्तार किया गया। ऐसा कि एक सिद्धू वाला नहीं, सिद्धू वाले की तो जान बच सकती थी अगर उसकी सिक्योरिटी वापस लेने जनतक नहीं करते। अगर मैं तो बार बार कई बार मैं मीडिया के अंदर कहा सिद्धू का कातल कोई होर नहीं केजरीवाल और राघव चड्ढा, जिन्हों के हाथ की कठपुतली मान की सरकार है। अगर ये सुरक्षा वापस लैन जनतक ना किया हों, अज वो माँ का पुत पंजाब की और पंजाब के लोगों का ना जरा दुनिया च रोशन कर रहा हों। इस करके ये सरकार जी है लारे लप्पियां वाली सरकार है और पंजाब तो कतलोगारत का जरा दौर चालू होया ये समाप्त होए। सिद्धू मूसेवाला दे कातल पकड़े जा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दे कातल पकड़े जा, जड़ा रोज़ गोली चल रही है ये बंद होए, इसे करके असी रोज प्रदर्शन कर रहे। दूसरे पास कांग्रेस के जिहड़े कांग्रेस के कारकुन ने जी ईडी के दफ्तर के अगे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहते राहुल गांधी उन्होंने ईडी परेशान कर रही है। ऐसा कि वो तो कोर्ट का मामला लगातार कोर्ट ने उन्होंने स्टे दिता है, राहुल की ये जमानत से ही माँ पुत्र हूँ अगे की जी कार्रवाई है सारी देख रेख हो रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है और भ्रष्टाचार उन्होंने खून च रहा, हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई जंग होती है वह सामना छोटा होए वड्डा होए उन्होंने करना पैना। देखो जी मैं फड़ना तो चाहता नहीं सी पर मैनू फड़ाया गया क्योंकि मैनू गरीब होने के नाते वो बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे पर मैं बेइज्जती नहीं होया तो मैं आपकी इज्जत लेके वो तो बाहर हो गया। तो देखो जदों किसी इंसान को किसी की कदर ना हो, कदर करने वाले भी उत्थे आउंदे ने। भाजपा भारतीय जनता पार्टी मेरे ते भरोसा सी, उहदा मैनू रिसीव करन वास्ते महिला पहुँच गए तो ये कहिंदे ने जी असीं उन्हां नूं बाहर लाउणा चाहुंदे। इस करके मैं अज बहुत खुशी महसूस करदा क्योंकि उन्हां लोकां दा धन्नवाद भी करदा जिन्होंने मैनू तो गरीब परिवार के उठे हुए एक काम का फुल हथ बनाया तो मैं यदि हमेशा चढ़ती कला कम करूँगा, ईमानदारी काम करूँगा तो चढ़ती कला। देखो जी ये तो मैं नहीं कहना चाहता, हम नहीं अच्छे बुरा नहीं कोई, मैं नौ नहीं लेना चाहता, नौ तो सारे पता लैके किसी हाई लैसन करनी तो ठीक है, मैं कुछ भी है पर मैं खुश हाँ उन्होंने धनवादी हाँ मैं जिन्हें ने काम किया क्योंकि जे वो यह काम ना करते मैं भारतीय जनता पार्टी गल ना। राघव सिंह ने कहा कहने के पार्टी के प्रति गलत गतियां देखते हुए पार्टी की बात। देखो जी मैं तुसी प्रेस खड़े हो सारी संगत खड़ी है, मैं कोई यह जिन्ना चिर मैं काम किया 21 साल मैं सरकार मुख्यालय काम किया कांग्रेस बीच कोई मेरे कनी मैं ललकरा मार के कहना मेरा विरोधी भी कह दे दो नवे पैसे का भी दोष लावे मैं देनदार हूँ। देखो गल सुनो कोई माड़े दिन ठीक है, माड़े दिन तो आप लिया ने, मैं नहीं कहना कि पार्टी के माड़े दिन तकड़े जो काम करा हूँ। अज भारतीय जनता पार्टी शामिल हुए पिंडा के घट शमूलीयत है ना, तो असं इन्हों विश्वास दवाया भी घर घर के भाजपा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करा उ जाके उन्होंने जोड़ा तो पार्टी कॉन्फिडेंशियल लैटर है किसी एक कानून है कि किसी को सिक्योरिटी दो या किसी की सिक्योरिटी वापस लो वो दसना नहीं बनता, पर अफसोस कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दसिया भी है और सब तो वड्डी गल कि एक कागज़ जिहड़ा वो सब तो पहला आम आदमी पार्टी के फेसबुक के पेज के उत्ते आया, बहुत अफसोस उहदे करके कड़ी वर्गा पुत मर गया और पंजाब का गायक मर गया, पंजाब का नहीं दुनिया का गायक मर गया जिन्हें पग पचाई सी और इस वेले बिलबोर्ड की ट्रेंडिंग चा बंदा हो 151 देशों की ट्रेंडिंग चा, बहुत डाउन टू अर्थ बहुत वधिया इंसान सी। उस तो बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने
जे इहो जी सोच दे नाल पंजाब नूं चलाउण दी कोशिश कीती जांदी है तां रब करके हथ खाली रहण ते जिथे यूथ इकट्ठा हो गया उहनां दे खिलाफ हुण खाली कर दी। कोई भी गिरफ्तारी जी है नहीं की जा रही है। दूसरे पास क्या जा रहा है कि जो है डम्मी व्यक्ति दिल्ली तो बैठ के दफ्तर के पंजाब पुलिस के आला अफसर इतों जाके दिल्ली रिपोर्ट कर दिल्ली तो रिमोट कंट्रोल के नाल फिर राघव चड्डा साहब को फिर भाई भगवंत मान को एक हुक्म आता तो वह हुक्म च अदूली तो हो ही जाता इन्ना लंबा हुक्म नहीं चलता। हुक्म तो यह जे कामों के हुक्म ले जाते हैं या इस बार देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।